करी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के मशहूर मारूफ गुलूकार हैं, अदाकारी भी करते रहे, मुख्तलिफ ममालिक में शोज़ करते हैं। ख़ास तौर पर पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पर ना गए हों शोज़ ना किए। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अरशद महमूद साहब। अरशद भाई, कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस किचन में, कैसा रहा मुझे ये बताएं। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, फरहान ने बड़ा अच्छा खाना बनाया। हाँ। और ख़ास तौर पे अम्मा की यादें ताज़ा हो गई, वालदा साहिबा की। हाँ। जिस तरह से वो बनाया करती थी छोटे होते पराठे, और इसी तरह से पराठा बनता था, उसको जलना नहीं चाहिए, जिस तरह से इन्होंने बनाया ना, लाइट ब्राउन करके, बड़ा खस्ता जिसको कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बनाया उन्होंने। शेफ फरहान में जो है ना, खासी अम्माओं वाली जो है ना, दादी अम्माओं वाली भी इनमें मौजूद है। जी जी, खास तौर पे मैं इनके साथ खड़ा हुआ था ना, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं मेट्रो वन पे घर का किचन लग रहा था। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था मैं पंजाब के किसी चैनल पे किसी जट्टी के साथ खड़ा हो गया। बस आप गंडासल पकड़ने की देर थी, आप यूं पकड़े खड़े होते, एक तरफ इधर उधर आते तो फिर बस थोड़ा सा फर्क रह गया। हाँ। उन्होंने गंडासल की जगह जो है ना, हाँ। उनके साथी जो है, उन्होंने हाथ में चम्मच पकड़ा होता, चम्मच पकड़ा उज़ैफा भाई ने। हाँ। चम्मच पकड़ा होता। नहीं नहीं, माशाल्लाह शेफ फरहान, आपको याद होगा शायद पहले जमाने के हलवाई या जो पकवान सेंटर होते थे, उनके जायके का अंदाजा उनकी अपनी सेहत से लगाया जाता था। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जिस कदर फरवा हुआ करते थे उससे ये अंदाजा होता कि बहुत ही लजीज खाना बनाते हैं। ना, मावा बनाने के लिए जान चाहिए ना, मावा ऐसे तो नहीं बन जाएगा। बिल्कुल, बड़ी ताकत लगती है। इसीलिए हमने भी इस बात को यकीनी बनाया कि लोगों को देख के अंदाजा हो कि हमारे किचन में खाना बनता है, ज्यादा लजीज बनता है। वेरी गुड। हमारी शेफ जो है वो भी रह नहीं पाती खाने को, आम दिनों में चखे बगैर उसकी खुशबू जो है ना, उसमें इतनी तासीर है कि उससे भी कंट्रोल बहुत है इनमें। देखिए ना, अभी आपको याद है अरशद भाई, पहले जमाने में अगर कोई बच्चा सूखा रहता था तो कहते थे इसको मिठाई की दुकान पे बैठाओ, वहाँ की खुशबू सूंघ सूंघ के इसका वजन बढ़ जाए। नहीं नहीं नहीं, आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। तो बिल्कुल, कैसे रमजान मुबारक कैसा गुजर रहा है, क्या पोजीशन है सर? बहुत अहम आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जी जी जी। फनकार आर्टिस्ट जो है ना, इनकी आमदनी का दारोमदार फंक्शंस पे, मुख्तलिफ चीजों पे होता है। कोरोना की वजह से सर लॉकडाउन है, और मैं समझता हूँ कि फनकारों और अदाकारों या आर्टिस्टों से ज्यादा सफेद पोश और कोई नहीं हो सकता। बेशक, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। इनके लिए हुकूमत कुछ ने कोई काम किया है या क्या करना चाहिए हुकूमत को? डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा जो है ना, हमारा जो आर्टिस्ट तबका है वो जो बेचारा जरा गरीब है। एक तो जो बड़े स्टार हैं उनकी तो आप उनको अलग रहने दीजिए, जो छोटे फनकार हैं जिन्होंने रात को गाना गाना है, फंक्शन करना है, और उनका घर का चूल्हा जलेगा, सबसे ज़्यादा वो इफेक्टेड हुए। उसमें म्यूजिशंस हैं, उसमें छोटे आर्टिस्ट हैं, छोटे एक्टर हैं जो रात को ड्रामा करते थे, तो उसमें ये सारे शामिल हैं। फनून लतीफा से कॉमेडियंस हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले हैं, छोटे छोटे रोल्स करने वाले हैं, बिल्कुल उसमें सब हैं। राइटर भी हैं उसमें, शायर भी हैं उसमें, सब हैं, क्योंकि सबका काम जो ना, म्यूजिशियंस हैं आपके बड़ी जी, म्यूजिशियन देखिए, मुझे सब काम बंद हो गया। तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से दोबारा मैं साईं नासिर शाह साहब से और साईं मुराद अली शाह साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने पहले भी उनसे रिक्वेस्ट की है, दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इनके लिए भी एक पैकेज दें। जो हमारे फनकार बिरादरी है वो तकरीबन 1.5-2 महीने से वो भी घर पर बैठे हैं, तो वो किसी से मांग नहीं रहे, लेकिन आपको चाहिए कि उनके लिए भी कोई ऐसी पैकेज बनाए कि वो घर पर बैठे हुए हैं। आपको पता है कि अगर ये पैगाम आप सिंधी में देना तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। मैं पंजाबी में भी दे दूंगा, नहीं सिंधी में अगर देंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। मैं चाहूंगा, दरख्वास्त करूंगा। बिल्कुल, वहां साईं मुराद अली शाह साहब के खास तौर पे बिलावल साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अदा सईद गनी के, साईं नासिर शाह साहब के, बिल्कुल मुर्तजा वहाब साहब के, सभी मैं चवंदुम तबाउ असान जो जो तबको आए फनकार जो ही वधिक जो को इन वक्त जो को मुश्किल परेशानी में आ डठी परेशानी में आ तो इन जो इन
लैब का पैकेज ॻोल्हियो, हिन जे लाइ बि का पैकेज अनाउंस कयो ऐं बसि जेसि ताईं तव्हां वांदा थींदव वफ़ा कई सिंध मां त तव्हांजी महिरबानी थींदी, जंहिं महिल तव्हां वांदा थियो त फनकारनि जे लाइ बि हिकिड़ी पैकेज जेकी आहे हुन में नात आहिनि, हुन में म्यूज़िशियन्स, हुन में एक्टर सिंगर सभु जेका नंढड़ा आहिनि हुन जे लाइ बि हिकिड़ी पैकेज जो तव्हां महिरबानी करे ऐलान कयो। अज़ान थी वई आहे, हिन ॻाल्हि जी जेकी आहे न हीअ सचाई आहे, हिन ॻाल्हि आहे जी सच ऐं सच जी ॻाल्हि आहे त अज़ान पोयां थी आहे त बाबा ही ॻाल्हि सच आहे त शाह साहिब थोरी महिरबानी कजो। ज़बरदस्त, बहुत ख़ूबसूरत आपने बात। देखिए फनकारों के लिए कोई ना कोई तो आए, कोई बोले, और सिर्फ राशन ना दें, राशन के साथ उनको थोड़ा सा कैश भी दें, क्योंकि कैश होगा तो वो तेल लाएंगे, कोई माचिस लाएंगे, कोई फ्रूट लेकर आएंगे, बगैर उसके गुजारा नहीं। हर आदमी राशन दे रहा है, राशन जी घर में ढेर लग गया है, लेकिन ये कि गोश्त सब्जी बाकी चीजें जो है जी जो दूसरी चीजें आएंगी जी। अर्शद भाई आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, अजान ने जी बिल्कुल गवाही भी दे दी आपकी बात की जी बिल्कुल की और सच्चाई की, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन नाज़रीन नेक्स्ट जो अब सेगमेंट आएगा उसमें हकीम अस्करी साहब से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए माह रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात। आबाद है रमजान।